Hello guys, welcome to our YouTube channel Phonefix Hyderabad, a chip level mobile repair training institute and ISO 9001 to 2015. Please subscribe our channel and press the bell icon for latest videos. Thank you very much. Friends, जैसा आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे iPhone 5s handset है और इसमें प्रॉब्लम यह है कि बैटरी बहुत ही जल्द ड्रेन हो जाता है। इसमें ऑलरेडी कस्टमर ने बैटरी चेंज भी कर लिया लेकिन इसके बावजूद भी हैंडसेट में बैटरी का बैकअप नहीं रहता है और पीसी भी इसका बहुत गर्म भी हो रहा है। तो मेरे साथ एक स्टूडेंट है, तो थोड़ा सा अपना नाम बताइए। मोहम्मद असलम। असलम कहाँ से हैं आप? हैदराबाद से ही है। तो अभी आप जो ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप क्या क्या अभी तक सीख गया थोड़ा सा बताइए। सीपीयू छोड़ के बाकी सारी चीजें आप कर सकते हैं अभी, ऐसा कॉन्फिडेंट आ गया आपका। तो जो ट्रेनिंग दे रहे हैं अभी कैसा दे रहे हैं मलिक सर? अभी ट्रेनिंग कैसा सिखा रहे हैं आपको? परफेक्ट, स्टडी एंड जबरदस्त पूरा। अगर कोई हैदराबाद है या पूरे ऑल ओवर इंडिया से कोई आके यहाँ पे आईफोन का ट्रेनिंग लेना चाहता है तो वैसे बंदों को क्या बोलना चाहेंगे आप? हैदराबाद में क्या, पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं जाना, सिर्फ इधर ही जाना अगर आपको परफेक्ट टेक्नीशियन बनना है तो। जी जी जी, जो पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है आपको? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जो सोच के आए थे मिल रहा है आपको? हाँ, उससे ज्यादा मिल रहा है। तो चलिए, तो यहाँ पे हैंडसेट है, तो यहाँ पे मेरे साथ मलिक सर है। एक बार मैं मलिक सर से पूछना चाहूंगा ये फोन के बारे में। तो सर बताइए अभी क्या करने वाला है, इसमें क्या है? तो ये कस्टमर अपने पास लेके आया, लेके आने के बाद अपन इसको डायग्नोस करने के बाद अपने को एक फॉल्ट फाइंड हो गया था। जी, तो अपना पावर सप्लाई में अपन कभी भी स्टूडेंट्स को अपन पावर सप्लाई पे अच्छा ध्यान दिलाते हैं। जी जी, इसका रीडिंग्स अपना मेन थिंग है वो, उसको जो उसमें अपने को फाइंड आउट हो गया कि एक माल फंक्शनिंग हो रहा है उसमें। जी जी, पावर सप्लाई अबनॉर्मल है सर, एक बार देख लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आप, पावर की प्रेस करने के बाद ये सही नहीं है ये, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर की प्रेस करने के बाद हाई एम्पियर डायरेक्टली ले रहा है। यहाँ पे जो एक प्रोसेस है उस तरह से यहाँ पे इसका जो एम्पियर है वो नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, ठीक, तो यहाँ पे हम सबसे पहले पीसीबी को बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे इसमें क्या चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इस तरह का आपको प्रॉपर अगर सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फोनफिक्स HYD और प्रॉपर ट्रेनिंग ले सकते हैं। 20 दिन की क्लास होती है जिसमें 10 घंटा आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे क्लास के अंदर आपको सिखाया जाएगा, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया जाएगा। चाहे वो बैटरी आपकी बैकअप नहीं दे रही है या फिर NAND की कोई प्रॉब्लम है या CPU रिवॉल्व करना है या फिर आपको RAM निकाल के लगाना है, किस तरह से डायग्नोस करना है, ये पावरफुल मेथड आपको दिया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ZXW यहाँ पे किस तरह से इसको समझना है, या DC मशीन से बूट सीक्वेंस आपको कैसे समझना है, या मल्टीमीटर से आपको सेक्शंस को कैसे समझना है, कैसे चेक करना है, कैसे फॉल्ट को फाइंड आउट करना है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे क्लास में सिखाया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसका PCB बाहर निकाल लेते हैं। Thank you.
जैसे कि पहले यहाँ पे डायरेक्ट 25-30 ले रहा था दो तीन आने के बाद, और यहाँ पे हमारा हैंडसेट भी ऑन हो चुका है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉर्मल बूटिंग हो चुकी है इसकी, और हमारा प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो चुका है। जैसा कि देख सकते हैं हैंडसेट हमारा पूरी तरह से यहाँ पे ऑन हो चुका है, और इसमें जो बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम था ये हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो एक बार आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि अभी आप यहाँ पे आईसी खुद निकाले लगाए तो अभी ठीक है, वो छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, आपका हैंडसेट प्रॉपर हो गया। तो क्या कहना चाहेंगे आप, जैसे कि आप लाइव सॉल्यूशन यहाँ पे देखे, अभी खुद यहाँ पे आईसी भी लगाए, तो प्रॉपर जो आप सीख रहे हैं समझ में आ रहा है आपको जो कुछ भी कर रहे हैं? हाँ, अब जैसे कि हमारे सर हमको डीसी पावर सप्लाई और उसके रीडिंग्स के हिसाब से हम लोगों को सॉल्यूशन सिखाते हैं उस चीज का, तो जैसे रीडिंग है उसके हिसाब से हमारा डायरेक्ट दिमाग चले जाता है कि किस में प्रॉब्लम है। और हैंडसेट वाटर डैमेज भी था, हम इसको पहले वो आप क्लीन ही करे, पहले क्लीन करके चेक करे तो वापस सेम वही एम्पियर से बूटिंग ले रहा था। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन है हमारे को जैसा हमारे सर सिखाए हम उसके हिसाब से काम करें। तो इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो आप बना सकते हैं ना अभी? तो 100% बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जो कि केरला से है, और अभी ये केरला में बोलेंगे या तो इंग्लिश में बोलेंगे, चलिए इनसे पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा है। तो अनंत तू बताइए 20 दिन का सफर कैसा रहा, 20 डेज Everything? Yeah, you are satisfied or not? Yes, sir. Satisfied? Thank you very much.